नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे ग्राम पंचायत बोरी खुर्द, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से किया संवाद। प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा बूथ को मजबूत करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। भाजपा पूरे प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना चला रही है, जिसमें भाजपा के बूथ बैंक को बढ़ाकर बूथ को मजबूत करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार को बोरीखुर्द ग्राम के बूथ क्रमांक 98 पर पहुंचे। ग्राम में पहुंचकर उन्होंने प्रभात श्रीवास्तव के घर पर बूथ विस्तार के तहत उन्होंने भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और ग्राम की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उपस्थित लोगों को मोदी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनाते हुए ग्राम में पक्की सड़क बनाए जाने और स्कूल भवन और उसकी बाउंड्री वॉल बनाए जाने की मांग की, जिस पर प्रहलाद पटेल ने उपस्थित जनपद CEO ब्रतेश जैन को स्कूल भवन की बाउंड्री वॉल एवं सड़क बनाने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम के कुछ लोगों ने PM आवास दिलाए जाने की भी मांग की, जिस पर प्रहलाद पटेल ने जनपद CEO को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द ग्रामीणों को PM आवास का लाभ दिलाए जाने की बात कही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। हृदय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के तहत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक आदर्श कार्यक्रम दिया है। जनसंघ से लेकर अब तक की यात्रा में हम दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बने हैं, लेकिन इसके बनने में त्याग है, सादगी है, वैचारिक निष्ठा है और आम गरीब आदमी को, जरूरतमंद को उसको न्याय देने करने की, उसके प्रति न्याय देने की जो हमारी विचारधारा है, उसकी परिपक्वता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक मतदान केंद्र पर जाएगा, वहाँ कुछ घंटे बिताएगा, अपने संगठनात्मक बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करेगा, वहाँ के की वोटर से बात करेगा, हितग्राहियों से बात करेगा और उसके बाद में ये साबित करेगा कि आने वाली जो पीढ़ी जो वर्तमान में है, जिसने उन पुराने कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को नहीं देखा, वो उनकी सादगी को देखे, उनकी वैचारिक निष्ठा को देखे और साथ में वो वर्ग जो उपेक्षित है या जरूरतमंद है, ध्यान दें कि वो शोषण उनका ना हो पाए, यही एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता के लिए सबसे अहम चरित्र होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ कि यहाँ पर हमारे इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे मिले हैं। तो मैंने अपने नए कार्यकर्ताओं से कहा है, यदि हमने उनके पास बैठकर उनकी कार्यशैली को सुन लिया तो हमारे 70% समाधान हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं है, जिन लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे की शैली से भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू रखा है, उनको कभी अपेक्षा नहीं हो सकती। उनने अपेक्षा के लिए काम भी नहीं किया, उनने विचार के लिए काम किया, जरूरतमंदों की सेवा के लिए काम किया। हम भारतीय संस्कृति के राजदूत की तरह हैं और भारतीय संस्कृति के राजदूत का मतलब होता है एक श्रेष्ठ आचरण, सेवा का भाव, सादगी पूर्ण।